वेलकम बैक टू विंग्स ए गुडन फ्रेंड्स, मेरा नाम है तंजोत सिंह। आज मैं अपनी मिसलिनियस सीरीज में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारा इकोनॉमी का। हम बेसिकली अब जो दो तीन वीडियोस मेरी आने वाली है कॉन्टिन्यूसली वो इकोनॉमी के रिलेटेड ही रहेंगी। इकोनॉमी में हमने एग्रीकल्चर भी सारा पढ़ना है, इरीगेशन भी सारा पढ़ना है, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पढ़ने हैं, मिनरल्स पढ़ने हैं और भी कई सारी चीज़ें मैं आपके साथ लेके आऊँगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ J&K इकोनॉमी का पार्ट वन। तो पार्ट वन में आपके सामने सबसे पहले ये आ गया कि जो इकोनॉमी के बेसिक जो कुछ तीन या चार तरह की इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली कौन से होते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं बोर्ड पे वो सेक्टर है हमारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एंड क्वार्टरनरी सेक्टर। फाइन। अब इकोनॉमी का मतलब है कि हमारी जो यूटी है वो पैसा कहाँ से कमा रही है, ठीक है ना। हमारी स्टेट कई अलाइड सेक्टर से पैसा कमाती है, वही पैसा बाद में हम लोगों पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो आज बेसिकली जो हम ये पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे तो J&K JK सीरीज में जो क्रॉप्स का टॉपिक है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। फाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी सेक्टर से क्या मतलब है? प्राइमरी सेक्टर का मतलब है जहां पे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज होती हैं। फाइन। अब जो प्राइमरी सेक्टर है फ्रेंड्स, उसका सिंपल सा मतलब है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। क्या होता है ये सेक्टर? अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये थोड़ा कम ऑर्गेनाइज्ड रहता है, रैंडम फैशन में होता है। और दूसरी बात ये कि इसमें जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती हैं वो यूज की जाती हैं। फाइन। तो हमने पढ़ लिया ये क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, इसमें ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज की जाती हैं। एक्चुअली बेसिकली होता क्या है, जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स जो तैयार होते हैं उनका जो बेसिस होता है वो कहाँ से आते हैं हमारे? वो प्राइमरी सेक्टर से आते हैं। समझ आ गई आपको? प्राइमरी सेक्टर में मैंने पहला पॉइंट बताया अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ट्रेडिशनल टेक्निक से काम किया जाता है और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं फ्यूचर में आगे जाके जो बनेंगे बाकी सेक्टर्स में उनके जो बेसिस होते हैं वो सारे प्राइमरी सेक्टर से ही आते हैं। फाइन। इसमें एग्रीकल्चर है, अलाइड एक्टिविटीज़ है जैसे फॉरेस्ट का काम हो गया, माइनिंग या फिशिंग का काम हो गया, तो ये सब किसके अंडर कंसिडर किए जाते हैं? ये हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। फाइन। अब प्राइमरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल हमें मिला उसको प्रोसेस भी तो करना है ना। उसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए हम जाते हैं अपने सेकेंडरी सेक्टर में। फाइन। इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से इकट्ठा हुआ है उसको प्रोसेस करके किसी प्रोडक्ट की शेप जो दी जाती है वो कहाँ दी जाती है? दैट इज इन सेकेंडरी सेक्टर। फाइन। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। अब प्राइमरी सेक्टर वाले लोगों को रेड कॉलर जॉब वाले लोग भी कहा जाता है, इन्हें कहते हैं रेड कॉलर जॉब। जो भी जॉब्स होती हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर करें, फॉरेस्ट करें, फिशिंग करें, माइनिंग करें या कुछ भी करें, प्राइमरी सेक्टर वालों को क्या कहा जाता है? रेड कॉलर वर्क या रेड कॉलर जॉब, आपको पूछ सकते हैं। वैसे सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो इसे कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। फाइन। अब एक ऐसा सेक्टर जो दोनों प्राइमरी सेक्टर की भी और सेकेंडरी सेक्टर की भी डेवलपमेंट करवाए उसे हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर, ठीक है। और टर्शरी सेक्टर में हम बेसिकली पढ़ते हैं अपना सर्विस सेक्टर, जो लोग सर्विस देते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ में हमें सर्विस मिल रही है, बैंकिंग हमें सर्विस दे रहा है, मास मीडिया, IT, तो ये सब क्या करें, डेवलपमेंट करवा रहे हैं किसकी? प्राइमरी सेक्टर की एज वेल एज हमारे सेकेंडरी सेक्टर की। जैसे इसे रेड कॉलर जॉब बोला जाता है या रेड कॉलर पीपल बोला जाता है, वैसे इसे ब्लू कॉलर जॉब और इसे कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। ये एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, तो मैंने बता दिया फटाफट। एक और होता है फ्रेंड्स, एक होता है हमारा पिंक कॉलर जॉब। ये दिख रहा है स्क्रीन पे? ओके। ये होता है पिंक कॉलर जॉब। पिंक कॉलर जॉब में बेसिकली ज्यादातर वीमेन होती हैं और रेयरली मैन होते हैं, ठीक है। ये जॉब्स की एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल बेबीसिटिंग, बेबीसिटर, ओके, डे केयर या फिर नर्सिस,
ये सब किस में आते हैं बेटा, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, हमारी पिंक कॉलर जॉब्स में। फाइन, तो थोड़ी कलर कोडिंग मैंने आपको बता दी इन्फॉर्मेशन के लिए। फाइनली हमारे पास एक क्वार्टनरी सेक्टर होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, डिजाइनिंग वाला सेक्टर, सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला सेक्टर, ये हमारे क्वार्टनरी सेक्टर के पार्ट हैं। ऐसा माना जाता है कि जो देश ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करते हैं वो देश जो होते हैं वो डेवलपिंग देश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, और जो देश ज्यादा टर्शरी सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, डेट इज ज्यादा उन देशों में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर, बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वो देश होते हैं हमारे डेवलप्ड नेशंस। ठीक है, अब इसकी पूरी एक थ्योरी है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, अभी आपको उसका फायदा नहीं है, हम कोर इकोनॉमिक्स तो पढ़ नहीं रहे, बस जेएनके का ही पढ़ना है हमने। ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमी पढ़ने से पहले एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, क्वार्टनरी सेक्टर क्या होते हैं, कौन से लोग होते हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, कौन से होते हैं जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं या रेड कॉलर जॉब करते हैं या पिंक कॉलर जॉब करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको ये बता दिए सेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कैसा काम होता है। चलते हैं आगे अपनी स्लाइड में। फाइन, आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया। आगे आता है हमारा एग्रीकल्चर, तो मैंने पहले ही बोला आज मैं बेसिकली एग्रीकल्चर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि एग्रीकल्चर से हमारे देश में कितना पैसा बनता है, क्या होता है हमारी यूटी में। जब भी मैं स्टेट बोलूँ तो मान लेना मैं यूटी की बात कर रहा हूँ। फाइन, तो चलते हैं इसको स्टडी करते हैं आगे। तो एग्रीकल्चर में मैंने लिखा है, जो एग्रीकल्चर है जम्मू कश्मीर में वो हमारी 80% ऑफ द पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। ओके, मतलब 80% ऑफ पॉपुलेशन हमारी कौन सी एक्टिविटीज कर रही है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। फाइन, इतना हो गया। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 60% ऑफ द स्टेट रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जो पैसा बनता है स्टेट में। तो 60% पैसा हम कहाँ से ले रहे हैं, हमने बेसिकली प्राइमरी सेक्टर से ही ले रहे हैं। ओके, देन इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 27% ऑफ स्टेट जीडीपी। फाइन, अब ये स्टेट जीडीपी है बेसिकली जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, जहाँ पे लद्दाख वाला पोर्शन भी इंक्लूड करके ये डाटा बताया गया। लेकिन अब चूंकि हमारी स्टेट यूटी में कन्वर्ट हो गई है तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी का वो 27 की जगह सिर्फ कितना है, 16%। फाइन, ये एक बस मैज नॉलेज के लिए पढ़ना है हमने, मेन पॉइंट्स अभी सारे आगे आ जाएंगे। तो जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है, हमारे पास लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, वो है 0.76 हेक्टर्स बेसिकली एग्रीकल्चर में। इतनी फार्मर्स के पास एवरेज लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है। फाइन, और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी परसेंटेज जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा है, विच इज़ 85%। ओके, नेट कल्टीवेटेड एरिया हमारा कितना है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो इट इज़ समवन अबाउट 4 लाख हेक्टर्स। फाइन, इसमें कुछ समझने वाला खास नहीं है, बस आपको एक ओवरव्यू लेना कि क्या 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 कितनी परसेंटेज है हमारी स्टेट में। चलते हैं आगे, आगे आ जाते हैं। हमारे मेन जो पढ़ने वाली चीज है वो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। आपको पहले दिखा देता हूं मैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में मतलब कि एग्रीकल्चर और क्लाइमेट का जो इंटर रिलेशन है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर बड़ा ही ज्यादा क्लाइमेट पे डिपेंड करता है ना। कभी बारिश, सुना होगा बारिश हुई फसल खराब हो गई, इस बार सूखा पड़ गया फसल खराब हो गई। तो एग्रीकल्चर डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड है, हमारे क्लाइमेट के साथ। तभी हमारी स्टेट में या हमारी यूटी में कुछ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बनाई गई हैं, और वो कुल मिला के 4 जोन्स हैं। एक ओवरव्यू ले लो, पहली जोन है लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन, मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन, मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड जोन, एंड लास्ट इज कोल्ड एरिड जोन। ये पढ़नी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा सा बेसिस पता चलता है एग्रीकल्चर का, और दूसरी बात इससे आपको कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं नहीं चाहता आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाए, पर्टिकुलरली जेएनके जीके वाली सेक्शन में, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला आ गया एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, दैट इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एग्रो मींस एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेटिक मींस क्लाइमेट हैव एन इंटर रिलेशन विद ईच अदर। आइए देखते हैं वो क्या रिलेशन है। 4 मेजर जोन्स हैं, पहली जोन है हमारी लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन। फाइन, अब जिसने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं या जो मुझे एक टैंडम में फॉलो कर रहा है मेरी पूरी प्लेलिस्ट को यूट्यूब पे, उसे ऑलरेडी पता होगा कि सब ट्रॉपिकल जोन क्या है। वैसे आपने
और कहीं भी ये पढ़ी रखा होगा, लेकिन जो जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अगर वहाँ कोई वर्ड आता है तो वो बेसिकली आपको पता होगा अगर आपने मेरे पहले वीडियोज़ देखी हैं। लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन क्या है, थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं बड़ा डीप में चला जाऊँ इसके, तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। तो हम बात कर रहे हैं लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन की। ये किससे करेक्टराइज किया गया है? मानसून से। मतलब जो भी ये सब ट्रॉपिकल जोन है, सपोज ये धरती है, ये इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 तक, ऊपर 44 तक और फिर 66 तक। अगर मैं 23 से 44 तक चले जाऊँ तो दिस इज सब ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक है। ये पूरी जो बेल्ट है, ऊपर भी 23 नीचे भी 23, दिस इज ट्रॉपिकल बेल्ट। और इसके ऊपर आती है हमारी ये वाली टेम्परेट बेल्ट 66 तक। तो सब ट्रॉपिकल जोन जो है हमारे धरती की, जो लो ऑल्टीट्यूड है, मतलब कि थोड़ा सा नीचे ये वाला एरिया बेसिकली जो जम्मू कश्मीर में, जम्मू के साथ ज़्यादा रिलेटेड है, उसकी बात कर रहा है, क्योंकि ये सदर्न पार्ट बन जाता है जम्मू कश्मीर का, ओके। उसके लिए बता रहे हैं कि इट इज़ करैक्टराइज्ड बाय मानसून। करैक्टराइज्ड बाय मानसून का मतलब कि इस एरिया में मानसून ज़्यादा आता है, फाइन, मतलब इसमें बारिश पड़ती है। मानसून आपको पता ही है, ठीक है, मानसून आपको पता ही है कि यहाँ से कहीं से जनरेट होता है हवाएं, यहाँ हवाएं जाती हैं, फिर यहाँ हवाएं टक्कर खाती हैं अफ्रीका वाले पोर्शन के साथ और मुड़ती हैं, मुड़ के यहाँ आती हैं, यहाँ ऊपर जाती हैं इस फैशन में। तो जहाँ जहाँ ये जाती हैं, जहाँ जहाँ ये जाती हैं, वहाँ वहाँ क्या होती है? बारिश। क्या होती है? बारिश। तो इसका मतलब कि जो पहली जोन है लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन, वो कौन सी जोन है जहाँ पे मानसून अफेक्ट करते हैं, मतलब वहाँ पे जहाँ पे बारिश पड़ती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन से एग्रीकल्चर को फ़ायदा होने वाला है, या कौन सी प्लांट्स को, हमारी कौन सी फार्मिंग सेक्टर को फ़ायदा होने वाला है जिसको ज़्यादा पानी चाहिए ग्रो होने के लिए, है ना। जैसे कैक्टस हो गया, एगेवस हो गया, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको पानी बड़ा कम चाहिए, और वो इसीलिए लद्दाख में, क्योंकि वहाँ पानी कम है, वहाँ रेनफॉल कम है। लेकिन जिसको ज़्यादा पानी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल राइस, तो इट इज़ गुड फॉर राइस, मानसूनस आर गुड फॉर राइस, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर अच्छे टाइम पे। तो इसीलिए इससे हमें थोड़ा आइडिया मिलता है कि मानसून का यहाँ पे क्या रोल है। मानसून होएगा, बारिशें होएंगी, एक्सेसिव वाटर मिलेगा मेरी प्लांट को उस लेवल तक ग्रो करने के लिए जो इसकी अपनी करेक्टरिस्टिक है, तो तभी मेरी क्रॉप अच्छी होगी, तभी मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर बूम करेगा, फाइन। हमने देखा कि जो लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन है, ये किससे करेक्टराइज होती है? मानसून से। इतना हो गया। अब यहाँ पे मोस्टली एल्यूवियल सॉइल होती है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ फटाफट। ये मिटाने छिटाने में टाइम लग जाता है, आप 1.25 वाली स्पीड में मेरी वीडियो देख लिया करो तो आपका ये वाला टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली यहाँ पे क्या होती है? एल्यूवियल सॉइल होती है। अब एल्यूवियल सबने पढ़ा हुआ है, थोड़ी सी मैं हिंट देता हूँ। सपोज ये हमारे हिमालयस हैं, ये पहाड़ियाँ हिमालयस की हैं, पहाड़ियाँ यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं, पानी पिघलता होगा नीचे आता होगा, कुछ पत्थर भी टूट के नीचे आते हैं। सपोज ये बड़े बड़े पत्थर नीचे आ गए टूट के, ठीक है, सपोज ये बड़े बड़े पत्थर नीचे आके टूट गए, तो ये बड़े बड़े पत्थर नीचे आए, पानी फिर और आगे जाता है यहाँ से, फिर छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर आ गए, फिर एक जोन आती है कि बिल्कुल कंकर कंकर आ जाते हैं, पत्थर में रेत होती है और क्या होते हैं? कंकर, कैल्सेरियस भी बोलते हैं। फिर और नीचे आ जाते हैं, कैल्सेरियस के बाद क्या होता है? ये पानी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर थोड़ा फ्लडी एरिया आ जाता है, ठीक है। तो ये आगे मेरे हिमालयस, फाइन, नीचे आए, ये मेरे आगे भाबर बेल्ट जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, ये मेरी आ गई तराई बेल्ट जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा है, ठीक है, दिख रहा है सबको? ये हिमालयस है, हिमालयस जब पानी नीचे आया साथ में पत्थर भी आए, मान लो कोई लैंडस्लाइड हुई जैसे ऑलरेडी होती है हमेशा, तो बड़े बड़े पत्थर नीचे आए उसको भाबर बेल्ट बोलते हैं, फिर बड़े बड़े पत्थर में जब कोई लैंडस्लाइड हुई होगी या पानी उससे भी नीचे आया होगा, क्योंकि पानी का फ्लो नीचे जाएगा ना,
तो छोटे पत्थर हो गए, छोटे पत्थर वाले रीजन को हम बोलते हैं तराई बेल्ट, जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर की एक्यूमुलेशन बड़ी ज़्यादा है, इतना पता चल गया। उसके बाद आते हैं वो वाले रीजन आते हैं जहाँ पे थोड़ी थोड़ी रेत आई है या बड़े बड़े छोटे कंकर आए हैं, तो ये करैक्टराइज हुए कंकर से। कंकर्स, ये वाला एरिया कौन सा? कंकर्स, और ये फ्लडिंग एरिया। इसी कंकर वाली जोन को हम बोलते हैं भाबर, सॉरी भांगर, ठीक है। और जो नीचे फ्लडी एरिया मैंने आपको बताया जहां पानी है, इसे हम बोलते हैं खादर, ठीक है। यही दोनों, अगर ये सपोज बी है, ये के है, यही दोनों क्या बनाती हैं मिलके? एलुवियल सॉइल्स बनाती हैं। तो आप समझ रहे हैं एलुवियल सॉइल्स क्या है, ये कौन सा रीजन है जो हिमालय से नीचे वाली बेल्ट, कौन सी बेल्ट हुई अपनी, ग्रेटर हिमालय के नीचे वाली बेल्ट आ गई, क्या बोलते हैं मेन बेल्ट कौन सी, ऊपर लद्दाख बेल्ट आ गई, उसके नीचे मान लो आपकी पीर पंजाल बेल्ट आ गई, उसके नीचे आपकी शिवालिक बेल्ट आ गई। तो ये कहीं शिवालिक बेल्ट की स्टोरी है जहाँ पे क्या है, देखो ऊपर वाली बेल्ट कौन सी, ग्रेटर हिमालय, फिर लद्दाख वाली बेल्ट, फिर ये कहीं पर आ जाती है आपकी पीर पंजाल वाली बेल्ट, और ये अल्टीमेटली कौन सी बेल्ट है हमारी, शिवालिक वाली बेल्ट। शिवालिक का जो सदर्न पार्ट है उसमें मिलती है हमें ज़्यादातर कौन सी सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है। जहाँ तो जो तो खादर है, कहाँ गया खादर, हाँ जो तो खादर है, इसको हम बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल। न्यू एलुवियल सॉइल ये बड़ी ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, फाइन, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और यही होती है जहाँ पर क्या की जाती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो फार्मर्स करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्ट है, वो बेसिकली इसी बेल्ट में की जाती है, खादर वाली बेल्ट में। एक तो थोड़े से फ्लडी प्लेन्स होते हैं, पानी यहाँ ज़्यादा होता है, रज के होता है, फ्लड्स भी आते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल इसे बोलते हैं, फर्टाइल होती है, और इंटेंसिव एग्रीकल्चर जोन इसे माना जाता है। वैसे जो भांगर थी, अगेन वो भी एलुवियल का पार्ट ही है, ये कंकर होती है, थोड़ी कैल्सेरियस होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ पे तादाद होती है, फाइन, और ये भी थोड़ी फर्टाइल होती है। तो आपने देखा कि एलुवियल सॉइल बनी कैसे, अपनी कौन सी विशेषताएं थी उनकी, और एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी बेल्ट से पास होके कैसे कैसे करैक्टरिस्टिक्स बनते हैं, तो हम कहाँ पहुँचते हैं, एलुवियल सॉइल पे। और यही सॉइल है जो लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन में हेल्प करती है जम्मू कश्मीर के फार्मर्स को एग्रीकल्चर में, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, चलते हैं आगे। हमने लो ऑल्टीट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल बेल्ट में पहले पढ़ा, सब ट्रॉपिकल बेल्ट क्या होती है, लो ऑल्टीट्यूड मतलब जम्मू का सदर्न पार्ट बेसिकली, करैक्टराइज्ड बाय मॉनसून, मैंने बता दिया आपको मॉनसून, मोस्टली एलुवियल सॉइल होती है, आपने देख लिया एलुवियल सॉइल होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये बेल्ट ही एलुवियल सॉइल की है। क्यों एलुवियल सॉइल की बेल्ट बनी, आपने वो भी देखा, एलुवियल सॉइल कितने पार्ट्स की है, कौन कौन से पार्ट क्या क्या रोल प्ले करते हैं, आपने वो भी देख लिया। चलते हैं आगे, अब इसके एरियाज कौन से हैं, एरियाज हैं इसके द होल ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट, फाइन, पार्ट ऑफ कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, ओके। हाइट कितनी है इसकी सी लेवल से, दैट इज 300 मीटर्स टू 1350 मीटर्स। कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अपनी मैंने स्लाइड में ही डाल दी होती है, सो दैट आपने स्लाइड देखी फटाफट आपने का आइडिया ले लिया, पर जो कुछ बच जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही करके, फाइन, जो इंस्टेंटली कभी मेरे दिमाग में आती है। चले आगे, चलो पहली बारी बेल्ट हो गई, दूसरी जोन है मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन। तो वो नीचे वाली बेल्ट तो आपने देख ली थी, अब थोड़ी सी ऊपर वाली बेल्ट देखेंगे कि वहां पे क्या होता है। तो वहां पे भी मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन, इंटरमीडिएट मतलब किन्हीं दो के बीच में, फाइन, उसमें भी मानसून आता है, पढ़ लिया हमने। पीर पंजाल ट्रैप है, मतलब पीर पंजाल ट्रैप है, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फाइन, प्रेसिपिटेशन मतलब पानी, मॉइस्चर, वेटर एंड कोल्डर विंटर एज कंपेयर टू माय फर्स्ट जोन, ओके। थोड़ा सा वेटी होता है और थोड़ा सा कोल्डर होता है। सॉइल्स आर सेपोराडिक, सेपोराडिक का मतलब है इरेगुलर, मतलब आपको एक तरह की, सिर्फ एक तरह की जो सॉइल है, जो सॉइल है धरती के नीचे, एक तरह की नहीं मिलेगी। हो सकता है यहाँ ऐसे हो, यहाँ ऐसे हो, मतलब ये की करैक्टरिस्टिक्स कुछ और हो, आगे चलो आपको कोई और करैक्टरिस्टिक मिल जाए, तो थोड़ी सी क्या रहती है, स्पोराडिक रहती है, फाइन।
मेन हाइट इसकी क्या है, उससे ऊपर ही है, 800 से लेके 1500 मीटर इन मिड ऑल्टीट्यूड एंड अप टू 4000 मीटर इन हाई ऑल्टीट्यूड। ठीक है, इतना पता चल गया। अब आता है इट मार्क्स ऑलमोस्ट द लास्ट लाइन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून इन समर एंड द लास्ट लाइन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन विंटर। इट मार्क्स ऑलमोस्ट द लास्ट लाइन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून इन समर। इसका मतलब जो मैंने आपको छोटा सा हल्का सा बताया था कि सपोज ये इंडिया है, इंडिया में जो मॉनसून यहां से हिट किया, यहाँ से चला फिर यहाँ गया फिर घूम के यहाँ आया, यहाँ हिट किया, अगर मैं ये डायग्राम में नॉर्थ वेस्ट बना दूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आप देखेंगे इट साउथ वेस्ट मानसून की बात करें, ठीक है, तो साउथ और वेस्ट जहाँ से आता है वहीं से बात करते हैं, तो इसीलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं। ठीक है, इसी मानसून को साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। उसने बोला कि साउथ वेस्ट मॉनसून की लास्ट लाइन, लास्ट लाइन का मतलब है कि सपोज ये मेरा मॉनसून ब्लैक पे चलेगा ना, ये मेरा मॉनसून यहां से आया बारिश लेके, यहां थोड़ा यहां इधर मुड़ गया, तो अगर थोड़ा यहां पे कट मार भी देता है तो ये जो लास्ट बेल्ट है मतलब इससे ऊपर मॉनसून नहीं जाता पर इस एरिया को ये हिट कर देता है। इतना पता चल गया कि क्या बोलने का मतलब था, इट मार्क्स ऑलमोस्ट द लास्ट लाइन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून इन समर, दैट इज प्रोमिनेंटली इन समर। आपको पता होना चाहिए जो मॉनसून आता है इंडिया में वो समर्स में ही आता है सिर्फ, तो इसीलिए क्या लिख रहा है, इट मार्क्स ऑलमोस्ट द लास्ट लाइन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून इन समर एंड द लास्ट लाइन ऑफ नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्बेंसेस इन विंटर। ये थोड़ी समझने वाली चीज है, बता देता हूं मैं। अब देखो जम्मू कश्मीर में स्पेशली विंटर्स में भी बारिश पड़ती है, दैट इज गुड फॉर रबी क्रॉप्स, फाइन। अब जम्मू कश्मीर के साथ में थोड़ा पाकिस्तान भी है तो उसमें भी जो बारिश पड़ रही है नॉर्थ ये वाली नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्बेंसेस, तो उसके लिए भी अच्छी है, गुड फॉर रबी क्रॉप्स। लेकिन आप समझोगे कैसे, ये मैं बता देता हूँ। सपोज ये हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया के साथ यहाँ पे पाकिस्तान है, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के आगे अगर चला जाऊं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के आगे चला जाऊं ईरान, उसके आगे चला जाऊं इराक, उसके आगे चला जाऊं सीरिया, टर्की, फाइन। नीचे हमारा साउथ अफ्रीका आ गया, ठीक है, यहाँ हमारा श्रीलंका आ गया, इतना काफ़ी है, ठीक है, ये पूरी बेल्ट, यहाँ भी कंट्रीज हैं, इधर भी कंट्रीज हैं, ठीक है, फाइन, इधर भी कंट्रीज हैं, इधर भी कंट्रीज हैं, इधर भी कंट्रीज हैं, ठीक है। आप देखो मेन ये जो बेल्ट बनाई ना मैंने, ये बेल्ट, ये हमारा इंडिया, इंडिया के आगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ऊपर टर्की, नीचे सीरिया, यहाँ कहीं पे इटली, फिर ये पूरा साउथ अफ्रीका, ठीक है, या अफ्रीका बोलो इसको, ये श्रीलंका। तो ये जो छोटी सी बेल्ट बनाई ना मैंने, यहाँ पे यहाँ पानी है, आप वर्ल्ड मैप खोल के देख सकते हो तो समझ आ जाएगी। ये जो पानी है, ये पानी है मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। तो जब भी मेडिटेरियन सी में डिस्टर्बेंसेस होती हैं, हवाएं उठती हैं और चलना स्टार्ट करती हैं, वो कौन सा रुख पकड़ती हैं, वो रुख पकड़ती हैं ऐसे, ऐसे चलेंगी, 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 यहाँ आएंगी, ये हवाएं हैं, ठीक है, ऐसे चली 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 यहाँ आई। तो आपने देखा कि मेडिटेरियन सी में डिस्टर्बेंसेस की वजह से हवाएं उठ के जो चली, उनने टर्की को हिट किया, इराक को हिट किया, ईरान को हिट किया, अफगानिस्तान को हिट किया, पाकिस्तान को हिट किया, और कहाँ पहुंची अल्टीमेटली, ये हमारे जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, और ये अपने साथ लाती है मॉइस्चर।
और ये सारा काम होता है विंटर्स के दौरान। किसके दौरान होता है? विंटर्स के दौरान। अब ये थोड़ा सा ऊपर बनाना था, थोड़ा नीचे बनाना था, ये अल्टीमेटली इसकी ये डायरेक्शन रहती है। तो आप देखोगे ये कहाँ से आ रही है, कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, इसीलिए इसका नाम पड़ा नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, इंडिया अगर थोड़ा नीचे बनाया होता मैंने तो ये लाइन मेरी ऐसे चली जाती, आप थोड़ा एज्यूम कर लो उसको। तो अल्टीमेटली ये क्या चीज़ है, ये है हमारी नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ऐसी डिस्टर्बेंसेस जो एक सी की वजह से जनरेट हुई। कहाँ से जनरेट हुई? मेडिटेरियन सी से हवाएं उठी, चलते 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 टर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड देन इंडिया में हिट किया। और इसी की वजह से विंटर्स में क्या होती है, हमारे जे एंड के में बारिश होती है। जे एंड में क्या होती है? बारिश होती है, छाता लेना पड़ता है। कब? विंटर्स के दौरान। तो आपने देखा कि जो मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन है उसमें मेन मेन प्रोमिनेंटली क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? हमारे पास है उसमें दैट इज मॉनसून, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। वेटर एंड कोल्डर क्लाइमेट, सॉयल्स उसकी स्पोरैडिक है, मीन हाइट उसकी कितनी है, ये लास्ट लाइन बनती है साउथ वेस्ट मानसून की। मतलब उसके ऊपर साउथ वेस्ट मानसून नहीं जाता और लास्ट लाइन ही बनती है नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। मतलब कि इसके आगे देखो, यहाँ से यहाँ आया, ये नॉर्थ वेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसके आगे ये लास्ट बेल्ट के आगे ये डिस्टर्बेंस नहीं जाती, यहीं तक रहती है। मतलब यही वाला एरिया जो है क्या करता है, इसको यहाँ से बारिश मिलती है सर्दियों में। तभी जम्मू कश्मीर में सर्दियों में बारिश हो जाती है, कभी कभी पंजाब में भी हो जाती है, फाइन। और ये बारिश किसके लिए अच्छी होती है? गुड फॉर रबी क्रॉप्स इन इंडिया। अब रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, आगे आने वाले स्लाइड में बता दूंगा। इतना आपको पता चल गया, हमने पढ़ लिया कि एलुवियल सॉइल क्या होती थी, फिर हमने पढ़ लिया अभी के ये साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, लास्ट लाइन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं, विंटर में आती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है दिस जोन रिसीव्स मोर रेनफॉल देन वन एंड टू। तो जो फर्स्ट जोन हमने पढ़ी और वन एंड टू, नो इट इज द सेकेंड जोन ब्रो, वन एंड थ्री है। तो ये जो जोन मैंने आपको बताई इसमें सबसे ज्यादा रेनफॉल इसी जोन में होती है। क्यों? क्योंकि इसको मानसून का पानी भी मिल जाता है। आपने देखा साउथ वेस्ट मानसून नीचे से जो आया था, और सेकंड इसको ये वाला पानी भी मिल जाता है। कौन सा? नॉर्थ वेस्ट साउथ, ठीक तो बोला, नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का, जो यहाँ से वहाँ सर्दियों में बारिश करवाता है। तो इसका मतलब अगर इसको नॉर्थ वेस्टर्न मानसून से भी पानी मिल रहा है, वहाँ से भी पानी मिल रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे इंटेंसिव रेनफॉल होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जोन सबसे ज़्यादा पानी मिलता है इसको चारों जोन्स में से। ठीक है, मोर देन वन टू थ्री एंड इवन फोर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा बारिश इस जोन को मिलती है। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा बारिश कौन से जोन में मिलती है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आपका आंसर रहेगा दैट इज मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन। देखा क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपके साथ। तो चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट आ जाती है हमारी मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड जोन। तो जो मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड जोन होती है वो जोन है हमारी मोस्टली, वो हमारी जोन है मोस्टली कश्मीर। ठीक है, फाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कल्टीवेटर्स पैराडाइज। JKSS भी यहीं से क्वेश्चन डालेगा कि कौन सी जोन को हम कल्टीवेटर्स पैराडाइज जोन बोलते हैं, तो वो क्या आंसर हो जाएगा उसका, दैट इज मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड जोन मोस्टली, दैट इज मोस्टली इन कश्मीर। फाइन, सॉइल्स ऑफ कश्मीर आर एलुवियल इन नेचर। अब समझ आ चुकी है, कोई टेंशन नहीं है, मैं टिक मार देता हूँ। इरीगेटेड एरिया कितना है इसका? अबाउट 62%, जिस एरिया को पानी मिलता है। ये आगने वाले इकोनॉमिक के साइड सेकेंड या लेक्चर थर्ड लेक्चर में एक पूरी इरिगेशन लेके आऊँगा, समझ आ जाएगा। स्नोफॉल मेंटेन्स द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम क्रॉप्स। तो यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है, और स्नोफॉल क्या करती है, मॉइस्चर कंटेंट हवा में मेंटेन रखती है जो क्रॉप्स के लिए यूजफुल है। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट, अच्छा, रिसीव्स एनुअल रेनफॉल ऑफ 60 mm, ऑफ विच 70% रिसीव्ड इन विंटर्स एंड स्प्रिंग सीजन। तो जितनी भी बारिश होती है उसमें 70% जो बारिश हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो विंटर्स में हो रही है, और वो किसकी वजह से होती है, नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। फाइन, एंड ऑल्सो इन स्प्रिंग सीजन। जो स्प्रिंग सीजन कौन सा है, जो सिर्फ कश्मीर में होता है ना कि जम्मू में, बिकॉज जम्मू में इसकी ड्यूरेशन बड़ी कम होती है, तो इसको हम सीजन ही कंसिडर नहीं करते। इससे पहले मैंने क्लाइमेट पढ़ाया, वहाँ पर ये चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। ओके, लास्ट आ जाती है हमारी कोल्ड एरिड जोन। कोल्ड एरिड जोन में
एरिया जो है वो है लद्दाख एरिया एंड लाहौल स्पीति बेल्ट ऑफ लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश. फाइन. देर आर टू लेजिस्लेशन दैट रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन द स्टेट. तो हमारी स्टेट में अब दो ऐसे कानून हैं जो कुछ चीज़ों की ग्रोथ के लिए एक लेजिस्लेचर लेके आए हैं, मतलब कुछ कानून है, पर्टिकुलरली दो एक्ट्स आप कह सकते हो. उसमें से पहला है कन्वर्जन एक्ट. ये कहता है इट रेस्ट्रिक्ट्स द कल्टीवेटर्स फ्रॉम कन्वर्टिंग इरीगेटेड लैंड्स इनटू ऑर्चिड्स. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इरीगेटेड लैंड को ऑर्चिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. अकॉर्डिंग टू विच एक्ट, विच लेजिस्लेशन, कन्वर्जन एक्ट. फाइन. ये डायरेक्ट JKSSB का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई झोल नहीं, घुमा के भी नहीं, सीधा क्वेश्चन. एंड सेकेंड इज कुथ एक्ट. कुथ एक्ट में क्या है, पर्टिकुलरली एक प्लांट है, मैंने गूगल में बड़ा सर्च किया था और भी कहीं फोटोज थे, तो मेरे ख्याल से यही फोटो है इसका प्रोमिनेंटली. फाइन. कल को पता चले कोई और फोटो था, हल्का सा थोड़ा चेंज था, तो आप कमेंट करना स्टार्ट हो जाओ, लेकिन नाम यही था, ससुरिया लापा. ठीक है. तो कुछ एक्ट में क्या है, इट रेस्ट्रिक्ट्स द कल्टीवेटर्स फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड ट्रीज हैविंग मेडिसिनल बेनिफिट्स. फाइन. इसमें ना तो इसकी रूट्स भी इंक्लूड होती है, स्टेम भी होती है, लीव्स भी होती हैं, फ्लावर्स भी होते हैं. फाइन. ये लेजिस्लेशन है तो इसमें एक एक चीज़ को डिफाइन किया होगा, तभी इसने हर चीज़ को लिख के बताया. इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ससुरिया लप्पा. ओके. और इससे आप कोई आइटम भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. अगर आप करेंगे तो आप पे कानूनी जुर्म लागू हो जाएगा, हो सकता है आपको जेल भी हो जाए और कुछ सम तक आपको पैसे भी एज ए पेनल्टी भरनी पड़े. फाइन. ये कुछ एक्ट की स्टोरी है, पढ़ लेते हैं और क्या लिखा है. नो पर्सन शेल विद इन द टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टेक पार्ट इन द कल्टीवेशन ऑफ कुथ. आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते, इसको रख भी नहीं सकते, ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते इसका, इसको बेच भी नहीं सकते. ठीक है, मतलब भूल जाओ बस अब. ठीक है ना, ससुरा लप्पा को तो भूल जाओ, ये ससुरा लप्पा इसको भूल जाओ, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके लिए, ये सारा कानूनी जुर्म के अंदर आता है. ओके. फाइन. ओके. ये पढ़ लो पॉइंट क्या है. इट हैज बीन एसोसिएटेड विद सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन, वाटर डिप्लेशन, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड एन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस एमिशंस, पोल्यूशन एंड वेस्ट. ये इससे जो आउटकम्स हो सकते हैं, अगर आप उसको करोगे, इलीगल जो काम रखा है आप उसको कल्टीवेशन करोगे या उसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे, बेचोगे, तो ये सब हैपनिंग्स हो सकती हैं. फाइन. चलते हैं मेन टॉपिक पे अपने. तो कुथ एक्ट में मेन यही है कि आप उसको ग्रो नहीं कर सकते, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, पोजेस नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते. अल्टीमेटली जो कुछ प्लांट है ससुरा लब्बा, आप इसकी कल्टीवेशन नहीं कर सकते, दैट्स इट. आपका कोई लिंक ही नहीं होना चाहिए इसके साथ अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लेजिस्लेशन. फाइन. अदरवाइज आपको जेल भी होगी और फाइन भी लग सकता है आप पे. अगला आता है क्रॉपिंग पैटर्न्स. क्रॉपिंग पैटर्न्स में ये तो आपने हर जगह पढ़ा ही है, हमारे पास कुछ ब्रॉड कैटेगरीज हैं क्रॉप सीजन्स की जम्मू में. फाइन. उसमें से पहली है खरीफ क्रॉप. ठीक है. खरीफ क्रॉप क्या होती है, ऐसी क्रॉप्स जो समर में लगाई जाती हैं, दैट इज़ मिड जुलाई टू मिड अक्टूबर. ठीक है, जुलाई में लगाई जाती हैं. ऐसा क्यों होता है, इसको जून जुलाई में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अर्लीस्ट, फॉर एग्जांपल राइस, अगर मुझे राइस ग्रो करना है, ठीक है, तो अर्ली स्टेजेस में इसे पानी जो है, वाटर कंटेंट जो है, इसे आगे ग्रो करने के लिए वाटर कंटेंट जो है वो रज के चाहिए, एफिशिएंटली चाहिए, ज़्यादा चाहिए, मोर चाहिए. अब स्टार्टिंग में अगर मेरी क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं इरिगेशन से पानी दूँ, कोई मोटर लाऊँ, पंप लगाऊँ, कहीं से पानी उठाऊँ, वहाँ पहुँचाऊँ, या तो नेचुरली वैसा हो जाए. तो इसीलिए कि वो नेचुरली वैसा हो जाए, हम इसे सो करते हैं जुलाई में, क्योंकि उस टाइम हमारे इंडिया में क्या हिट कर रहा होता है, इंडिया में क्या बोलूँ, J&K की बात कर रहे हैं, J&K में क्या, क्योंकि इंडिया में तो जुलाई जून स्टार्टिंग में ही मॉनसून हिट कर जाता है. हम J&K की बात करें तभी यहाँ जुलाई लिखा है. तो मॉनसून क्या करे. फाइन. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने मॉनसून के स्पेलिंग गलत लिखे थे. ठीक है, तो यार मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, ये स्पेलिंग वाली छोटी मोटी मिस्टेक्स कंसिडर नहीं किया करो. कुछ अच्छा कंसेप्ट जो आपको समझ नहीं आया, आई एम रेडी टू टेक दैट वंस अगेन विद यू, नेवर माइंड. कभी भी आप मुझे बोलो कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए, मैं पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझाने को तैयार हूँ. पर ये माइनर सी चीज़ें, सर स्पेलिंग गलत लिख दिए, क्वेश्चन के स्पेलिंग गलत हैं, ये इसके स्पेलिंग, उसके स्पेलिंग, प्लीज़ यार, इट इज़ नॉट इंग्लिश दैट आई एम टीचिंग यू. फाइन.
जब मैं इंग्लिश की क्लास लूंगा तब आप बोलना, तब मैं उसे कंसिडर करूंगा, अभी के लिए नहीं। तो मानसून में क्या है, मैंने आपको बोला जो खरीफ क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल राइस, राइस को मैंने ग्रो कर दिया, पर राइस को जैसे ही मैंने लगाया, इस राइस की डिमांड ये थी उस प्लांट की कि उसे पहले 2-3 महीने में बड़ा ज़्यादा पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। तभी दो ऑप्शन, या तो इरीगेशन या तो नेचुरली। इरीगेशन मुश्किल रहती है, महंगी रहती है, कॉस्टली है, इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ता है। नेचुरली कैसे कर सकते हैं, मानसून के साथ ही इसे सो कर दो, क्योंकि हमें पता है इसे बारिश मिल जाएगी। जब बारिश पड़ेगी ऊपर से, बारिश का पानी मिलेगा राइस को अर्ली स्टेज में, तो ऑब्वियसली जिसको जो वाटर कंटेंट की डिमांड थी वो फुलफिल हो जाएगी, तो ये अच्छे से ग्रो करेगी। पहले इसको थोड़ी सी बारिश अच्छे से चाहिए होती है, बाद में अच्छे से धूप चाहिए होती है। तो वैसे ही तो एनवायरनमेंट है जम्मू का, तभी तो एक्सटेंसिवली यहाँ पे क्या ग्रो हो रहा है, राइस ग्रो हो रहा है। हमने ऐसे किया, मिड जुलाई में इसको बारिश मिल गई, किसने बारिश दी, मानसून ने बारिश दी, और बाद में इसको धूप चाहिए थी तो वो बाद में धूप भी मिल गई इसको, फिर इसको क्या किया जाता है, कल्टीवेट कर दिया जाता है। फाइन, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो इन मौसम में लगाई जाती हैं, और उसकी क्या ज़रूरत थी इस मौसम में लगाने की, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्लांट की ये डिमांड थी कि पहले मुझे अच्छे से पानी पीना है, फिर अच्छे से धूप खानी है, उसके बाद ही मैं अच्छे से फल दे सकता हूँ, मतलब गुड क्वालिटी राइस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। हर प्लांट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये प्लांट की ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने नेचुरली किसको यूज़ किया, मानसून को यूज़ किया, ये दिमाग लगाया हमने। फाइन, तो बस फिर क्या था, उसको पानी भी मिल गया, अच्छी धूप भी मिल गई, बाद में कल्टीवेट हो गया। तो ये है, हमारे ऐसी क्रॉप्स को बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। और गर्मी भी चाहिए, फाइन, हीट भी चाहिए, इंसुलेशन भी चाहिए, ऐसी क्रॉप्स को बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। फाइन, ये आपको बता दिया कब सो कितनी है, कब सो करते हैं और कब निकालते हैं। राइस इसका एग्जांपल, ज्वार इसका एग्जांपल है, मेज इसका एग्जांपल है, कॉटन भी इसका एग्जांपल आई गेस, ठीक है, पी भी इसका एग्जांपल है। फाइन, तो ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलते हैं आगे अपने रबी क्रॉप्स की तरफ। रबी क्रॉप्स में क्या है, उनको स्टार्टिंग में इतना पानी नहीं चाहिए होता, पर रिलेटिवली जिनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, वो कौन से प्लांट्स होते हैं, वो होते हैं हमारे रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल वीट, फॉर एग्जांपल बारले, पी, ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, ठीक है, ऑयल सीड्स दोनों में आ सकते हैं एग्जांपल्स के साथ। फाइन, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो रबी क्रॉप्स में अलग क्राइटेरिया है, वो बता दिया मैंने। इसको इसीलिए विंटर में सो किया जाता है, दैट इज़ फ्रॉम नवंबर अक्टूबर में इसको सो करते हैं, और फिर इसकी कल्टिवेशन की जाती है अप्रैल मई में, ठीक है। फाइन, रिक्वायर्स रिलेटिवली कूल क्लाइमेट एंड लेस रेनफॉल। तो हमारे जो सारे के सारे क्लाइमेट का पार्ट है, जो 12 महीने हैं हमारे, वो क्लाइमेट में जब हमने डिवाइड किए 4 या 3 सीजन्स में, हमें प्लांट की करैक्टरिस्टिक देख के ये समझ आ जाता है कि हम इसे कौन से मौसम में लगाएं और कौन से मौसम में कल्टीवेट कर लें। ये सब कुछ दराटी है मेरी, कौन से मौसम में कल्टीवेट कर लें। फाइन, पता चल गया, तो समझ आ गई है आपको। बाकी आपने थोड़ा याद करना है कि रबी क्रॉप्स में क्या क्या आता है। वीट आता है भाई, बारले आता है, पी आता है, ऑयल सीड्स आता है, मस्टर्ड आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं JKSSB वाले कि बताओ बारले कौन सी कैटेगरी में आता है, खरीफ, जैद या फिर रबी। तो ये आता है किस में, रबी में। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं ऐसे ही कहीं ज़्यादा क्वेश्चन बना के लेके आऊँगा आपके साथ वंस वी आर कम्प्लीटेड विद दिस सिलेबस, ओके। चलते हैं आगे, जैद क्रॉप्स, ये बड़ी अच्छी क्रॉप्स लगती हैं मुझे। उसका रीज़न क्या है कि एक बड़ा प्यारा सा फ्रूट यहाँ पे होता है जो मेरा फेवरेट फ्रूट है, दैट इज़ वाटरमेलन। तो जो मेरा फेवरेट फ्रूट है वाटरमेलन, वो है जैद क्रॉप। जैद क्रॉप्स वो होती हैं जो पर्टिकुलरली 2 या 3 महीने में ही बनती हैं, लगाया भी उनको जाता है, कल्टीवेट भी हो जाती हैं, हमारे घर तक पहुँच भी जाती है, हम इन्जॉय भी कर लेते हैं, पर प्रोमिनेंटली बस 3 महीने का ही सारी गेम होती है इनकी, ठीक है, इनकी कल्टीवेशन। तो मार्च अप्रैल मई, वो 3 महीने जिनकी मैं बात कर रहा था, ठीक है ना, मार्च अप्रैल मई। फाइन, ऐसे मैंने याद रखा हुआ है इसे, मैम आप भी याद रख सकते हो, मेरे बड़े ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो सोन इन समर, ऑब्वियसली उस टाइम जम्मू कश्मीर में समर ही होता है। एग्जाम्पल मस्क मेलन है, कुकुम्बर है, एंड माई फेवरेट इज वाटर मेलन। तो देखा आपने, 3 महीने में ही इसको लगा के, 3 महीने के अंदर अंदर ही कल्टीवेट करके और कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। बुरी बात इसकी ये है कि बाकी 9 महीने इसका वेट करना पड़ता है,
सो क्रॉप्स इन कश्मीर प्रोविंस, अभी तक हमने पढ़ लिया प्रोमिनेंटली जो जम्मू की क्रॉप्स हैं दैट इज़ लो सब ट्रॉपिकल एरिया है ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अब जो कश्मीर प्रोविंस की क्रॉप्स हैं उसमें क्या जाता है, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जनरली प्रोड्यूसेस वन क्रॉप वन ईयर, उसे इसीलिए कश्मीर की क्रॉप्स में या कश्मीर को एक फसली भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अगेन द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। फाइन, एक्सेसिवली राइस ग्रो किया जाता है यहाँ पे कश्मीर में, और आपको बता दूँ कश्मीर में वीट भी ग्रो करते हैं पर एज अ ग्रास ग्रो किया जाता है उसको। ओके चलते हैं आगे, तो अब इंपॉर्टेंट रीजनल क्रॉप्स है। देखो जो क्रॉप्स वाला चैप्टर है JKSSB का वो इसी में कवर हो जाएगा, तो वो फिर मैं नए से पढ़ाने वाला नहीं हूँ, तभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ टॉपिक पे, उसके कंटेंट पे और जो भी डेफिनेशंस है। पहला इंपॉर्टेंट रीजनल क्रॉप में हमारे पास है राइस। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरी, स्टेपल मतलब ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला। फाइन ठीक है, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब कोई टाइम लगने वाला नहीं है। मोस्टली ग्रोन इन द वैली दैट इज एट 120 मीटर्स अबव सी लेवल, सी लेवल है उसकी जो हाइट जाती जाती 21 मीटर्स तक, जहाँ कश्मीर है हमारा वहाँ पे ये ग्रो किया जाता है। जम्मू में भी राइस को ग्रो किया जाता है क्योंकि जम्मू का क्लाइमेट भी वैसा ही है जो राइस जिस क्लाइमेट को डिमांड करता है। और आरसपुरा जो जम्मू में है यहाँ पे वर्ल्ड फेमस बासमती राइस मिलता है, आपने सुना भी होगा। ठीक है, इसमें क्या पढ़ाऊँगा अब। नेक्स्ट आ जाता है वीट। वीट अगेन द स्टेपल फूड है, मतलब ज़्यादा कौन कंज्यूम करते हैं, हम जम्मू वाले। ठीक है, स्टेपल फूड है जम्मू पीपल का। कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है स्वाइंग के टाइम पे, बता दिया मैंने आपको, और वार्म एंड ड्राई चाहिए होता है हार्वेस्ट के टाइम पे, तो उसके क्लाइमेट के हिसाब से देख के ही उसका मौसम चुना गया। रेनफॉल कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए। कश्मीर रीजन में एज ए ग्रास ग्रो किया जाता है, मैंने आपको बता दिया, दिस इज डन टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। फाइन, देन एरियाज कौन कौन से हैं प्रोमिनेंटली इसके, कठुआ, आरसपुरा, सांबा एंड रियासी, यहाँ वीट ज़्यादा ग्रो किया जाता है। फिर मेज़ जो है, मेज़ मतलब छल्ली, ठीक है, छल्ली सबने खाई है, भुट्टा, ठीक है, जो छल्ली है, जो मेज़ है, भुट्टा जिसे बोलते हैं, छल्ली बोलते हैं या मेज़ बोलते हैं, इसको हॉट ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे SSC हो, चाहे UPSC हो इटसेल्फ, या फिर JKSSB हो, कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसको प्रोमिनेंटली 75 से 127 सेंटीमीटर्स तक पानी चाहिए होता है, रेनफॉल चाहिए होती है, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, याद रखना हमेशा मेज़। फाइन, अब 127 भी है, 5 भी है, थोड़ा ऊपर नीचे हमेशा चलता है, ये मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था तो मैंने आपको बता दिया। कल्टीवेट इन कारेवाज लैंड ऑफ कश्मीर वैली, ठीक है, चलते हैं आगे। तो बाकू आ गया, तो बैकू पे मेरे पास है वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, रिच सॉइल चाहिए जिसमें लाइम मिलता है हमें, ठीक है, ये मिल जाती है हमें कश्मीर वैली के आसपास। वैसे जो ज़्यादा लाइम हमें मिलता है वो कौन से एरिया में मिलता है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में मिलता है, असम वाले रीजन में। ओके, पर जम्मू कश्मीर, वो इंडिया की बात होगी, पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो हाँ कहीं ना कहीं हमें वैली में भी मिल जाता है, तभी हम वैली में तंबाकू को ग्रो करते हैं। सैफ्रन हमारी कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप मतलब जिससे कैश आता है, फ़ायदा होता है, बेचते हैं हम उसे। कल्टीवेट इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, ये प्रोमिनेंटली बड़े ठंडे इलाके में ग्रो किया जाता है, तो ये सारा पार्ट कश्मीर का ही है। गनाज जो है, द ग्रेन व्हेन रेडी इज पास्ड ग्राउंड एंड ईटन विद मिल्क, ठीक है, जैसे ही रेडी हो जाता है इसको सीधा कंज्यूम कर लिया जाता है, प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। फाइन, जैसे हमारी डोडा गुच्छी है, अब तो उसे GI टैग भी शायद मिल गया, तो गुच्छी का भी यही है कि गुच्छी जो होती है वो नेचुरली बनती है माउंटेन रीजन में, और उसे सो नहीं किया जाता, डायरेक्टली कल्टीवेट किया जाता है, निकाला जाता है पहाड़ों से और डायरेक्टली ही कंज्यूम किया जाता है, उसे प्रोसेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बड़ी ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। फाइन, वो भी इसका ही पार्ट है हमारे क्रॉप्स का। फिर कुछ ऑयल सीड्स हैं जिसे फिर से हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, पता है हमें क्यों, क्योंकि ये खरीफ का पार्ट थी। चीफ ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं अनंतनाग एंड श्रीनगर। फिर हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स की बात करें तो हमारे पास कुछ टेम्परेट फ्रूट्स हैं। टेम्परेट फ्रूट्स का मतलब कि वही वाला फिर से रीजन, टेम्परेट वाला, अगर ये इक्वेटर है, ये सपोज सब ट्रॉपिकल है, और ये क्या है, ये टेम्परेट रीजन है, ठीक, टेम्परेट रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये पूरा अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है। टेम्परेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कश्मीर रीजन टेम्परेट का पार्ट है, तो कश्मीर जो टेम्परेट पार्ट है, ठंडा पार्ट है, वहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें, एप्पल मिलता है, पियर मिलता है, पीच मिलता है, प्लम मिलते हैं, एप्रिकॉट मिलते हैं, आलमंड्स मिलते हैं। अब ये सिर्फ कश्मीर को ही नहीं मिलेंगे, जितना जितना J&K का पार्ट टेम्परेट रीजन के अंदर आता है
और इनका सॉइल और क्लाइमेट करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है, वहाँ वहाँ ये सब चीज़ें उग सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो, पीच हो, प्लम हो, एप्रिकॉट हो, ये सब हमें पुंछ में भी मिल जाते हैं, क्योंकि समवट क्लाइमेट क्या होता है, सेम होता है। अब आलमंड्स हमें मेडिटेरियन सी में भी मिल जाते हैं, मेडिटेरियन सी के आगे वाले कंट्रीज में ज़्यादातर हमें आलमंड्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका क्लाइमेट भी किसके साथ मैच करता है, टेम्परेट जोन के साथ मैच करता है। जो टेम्परेट जोन चल रही है ये पूरे अर्थ को ही कवर कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ की जो फिजिकल फिजियोग्राफिकल वो फॉर्मेशन हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उन करेक्टरिस्टिक्स में ये हमेशा ग्रो करेंगे, फिर चाहे आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, अर्थ में कहीं भी लगाओ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा थॉरली पूरा वर्ल्ड का ग्लोब माइंड में रख के सोचा करो, सो दैट आपको अच्छे से समझ आए और आप कल को किसी हायर एग्जाम में भी अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। फाइन, चलते हैं आगे। तो आपने पढ़ लिया एप्पल है, पीयर है, पीच है, चेरी है, आलमंड्स हैं, फिर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं कुछ। ये मैंने कैसे याद रखा है, मेरे घर पर मैंने थोड़ा सा वो बनाया है, गार्डन सा बनाया है, थोड़ा फ्रूट गार्डन भी बनाया है, वेजिटेबल गार्डन भी बनाया है। तो प्रोमिनेंटली मैंने ये तीनों चीज़ें लगाई हैं, मैंगो, गावा, लीची। अनफॉर्चुनेटली मेरे नीचे ने आज तक एक भी फल नहीं दिया। हाँ, मैंगो मिला है, मुझे मिला है, और गावा बड़ा अच्छे से मुझे मिला, ठीक है। तो ये तीनों फ्रूट्स मेरे घर पे हैं, ऐसे याद रख लो आप। और ये तीनों किसका पार्ट है? अच्छा यार, हाँ, ये तीनों किसका पार्ट है? ये सब ट्रॉपिकल का पार्ट है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। बिकॉज सब ट्रॉपिकल का मतलब वो एरिया जो जम्मू में है प्रोमिनेंटली, और मेरा घर जम्मू में है, तो इसलिए ये तीनों फ्रूट्स मैं अपने घर पर ग्रो कर सकता हूँ। फाइन, नेक्स्ट आ गया। देखो, मैं अगर कोई आर्टिफिशियल फ्रूट अगर ग्रो करना भी चाहूँ तो आर्टिफिशियली इरीगेशन कर दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, या सॉइल का कोई न्यूट्रिएंट ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा, पर जितनी उसको धूप चाहिए वो तो मेरे हाथ में नहीं ना है। इसलिए हम किस पे डिपेंड करते हैं, हम टेक्निक से ज़्यादा इस पे हम ये डिपेंड करते हैं कि हमें क्लाइमेट इसमें क्या फ़ायदा करा सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगेन ये जेके सी में क्वेश्चन बना है कि अब ये साथ, एक्चुअली ये कुछ बुक्स में साथ लिखा है, कुछ बुक्स में आठ लिखा है। JKSSB ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इसका, उस टाइम सात ऑप्शन में नहीं था, आठ ऑप्शन में था, मैंने टिक किया था, ठीक हो गया था। ओके, तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सात से आठ है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये पूछा था JKSSB ने, तो आप इसको ज़्यादा मान के चलो कि 8% है भाई, 8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारी स्टेट की इकोनॉमी में, दैट इज़ 45% टू एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। कौन हमारा? हॉर्टिकल्चर। और जो लार्जेस्ट फ्रेश फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारी, वो कौन सी है? वो बारामूला है। ना भी सबसे ज़्यादा फ्रूट कहाँ से आ रहा है? बारामूला से। ऐसे ही कोई पूछे कि वेजिटेबल्स कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादातर, तो वो शायद शोपियाँ से आ रहे हैं। ओके, शोपियाँ भी फ्रूट्स के लिए बड़ा माना जाता है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं मैं सारे अभी लेके आऊँगा जब MCQ सीरीज करेंगे, अभी इसको समझ लेते हैं अच्छे से। फ्लोरिकल्चर ऑलरेडी पढ़ा है हमने, फ्लोरिकल्चर क्या होता है? तो जो लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है एशिया का वो कहाँ पर है? दैट इज़ इन जबसवान माउंटेन। आप जब भी श्रीनगर जाएंगे, मेन डल के पास जो आगे पहाड़ी है, सबसे बड़ी पहाड़ी, जो लंबी सी पहाड़ी है जिस पे सारे होटल्स वगैरह बने हैं, डल के आगे पीछे जो भी है, जैसे परी महल है, ये सब जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स भी हैं वो सब किस पे हैं? जबसवान माउंटेन में, ठीक है। चलते हैं आगे। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में क्या है? इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क आफ्टर चाइना। खास बात क्या है कि जो कश्मीर का सिल्क है बेसिकली वो फार बेटर है इवन इटली और जापान के सिल्क से। ये सब सिल्क की वैरायटी है, मलबेरी, एरी, टेसर एंड मुगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मैं चाहता नहीं हूँ टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, फिर थोड़ा बोरिंग हो जाता है, पढ़ने का मन भी नहीं करता। फटाफट समअप करते हैं, हमने आज क्या पढ़ा। हमने पहले सीखी अपनी इकोनॉमी में कि कितने सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, चार जो सेक्टर्स हैं प्रोमिनेंटली। इसके अलावा मैंने आपको पिंक कॉलर जॉब के बारे में भी बताया एक्स्ट्रा। इन सबको हमने एक्सप्लेन किया, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। फिर हमने पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में, जहाँ हमने इसके जो फैक्चुअल चीज़ें थी वो पढ़ी, ये दिमाग में रख लो देख के एक बारी। फिर हमने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में चार क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ी, हमें पता चला कि एग्रीकल्चर और क्लाइमेट आपस में कैसे डिपेंड करते हैं, क्या क्या फीचर्स रहते हैं, क्या प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो पढ़ी। चाहे फिर वो लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन हो जिसमें मॉनसून क्या है, एलुवियल सॉइल क्या है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं प्रोमिनेंटली, कितनी हाइट पर ये चीज़ें हमें मिलती हैं। फिर मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड जोन हमने पढ़ा पीर पंजाल ट्रैप में, कंसंट्रेशन किसकी है, पानी की ज़्यादा है, थोड़ा बेटर क्लाइमेट चाहिए, सॉइल स्पोरैडिक होती हैं, इरेगुलर होती हैं, मेन हाइट कितनी है इसकी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज और साउथ वेस्ट मानसून की जो लास्ट लाइन है वो इन्हें टच करती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं पे है। फाइन,
फिर मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड जोन में हमने कश्मीर के बारे में पढ़ा, इसी को बोलते हैं कल्टीवेटर्स पैराडाइज अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो। फिर इसमें इरीगेशन कैसे होती है, कितनी होती है, स्नोफॉल में क्या काम है। फिर कोल्ड एरिड जोन में हमने पढ़ा वो लद्दाख वाला एरिया है। देन दो लेजिस्लेशन जो बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी स्टेट में, वो है कन्वर्जन एक्ट एंड कुथ एक्ट, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसका नाम होता है ससुरिया लब्बा फाइन, इसमें इसकी खेती करना आपको मना है, उसमें फाइन भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है। क्रॉपिंग पैटर्न्स में तीन मेजर क्रॉप पैटर्न्स कौन से हैं और वो क्रॉप पैटर्न्स ऐसे ही क्यों हैं, क्यों हमने खरीफ में ही राइस को सो किया, वीट को सो नहीं किया, और क्यों हमने यही महीना चुना राइस को सो करने के लिए। तो ये सारे क्लाइमेटिक और एग्रीकल्चर इंटरडिपेंडेंसीज मैंने आपको पढ़ाई हैं, समझाई हैं, आप इसे प्लीज़ रिवाइज करो अच्छे से। वैसे हमने रबी पढ़ा, ज़ैद क्रॉप्स पढ़ा, फाइन। कश्मीर प्रोविंस में कौन सी होती है इंपॉर्टेंट, राइस क्या है, वीट क्या है, कहाँ मिलता है, मेज़ क्या है, तंबाकू, सैफरन, गनहार, ऑयल सीड्स, हॉर्टिकल्चर एंड फाइनली सेरीकल्चर। तो आप ये स्टडी करो सारी इकोनॉमी जितनी मैंने आपको आज पढ़ाई। आने वाले पार्ट में मैं इकोनॉमी का सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, जहाँ कुछ और चीज़ें देखेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, J&K कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है बाकी चीज़ों से, मैं आपके साथ वो टॉपिक्स लेके आऊँगा। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए और अपने आप में इन टॉपिक्स को देख के रिविज़न करते रहिए। मेरे सारे टॉपिक्स थोड़े डिपेंड रहते हैं एक दूसरे पे, तो अगर आपने पिछले नहीं देखे पहले पिछले भी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं MCQ सीरीज जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो मैं उस टाइम वो समझाऊंगा नहीं, शायद बोलूंगा वो मैंने उस टॉपिक में वहाँ एक्सप्लेन किया था, सीधा डायरेक्ट आंसर टू क्वेश्चन आपके साथ शेयरिंग होगी। तो देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही हम JK GK पूरा कंप्लीट करेंगे आस्ता आस्ता आने वाले और लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।